भागकर तू कहाँ जाएगा? तूने यहाँ पे आकर पेड़ काटने की जरूरत की? मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। मुझे माफ करो। माफ? तुझे एक हफ्ते की सजा मिलेगा। मेरे घर पे रह के काम करना पड़ेगा। मेरा घर का आदमी लोग बहुत परेशान होगा। मुझे माफ कर दो। तुझे नहीं मिलेगा, एक हफ्ते की सजा मिलेगा। चल। ओए, क्या हुआ? जल्दी कर। ओए, क्या हुआ? काम क्यों नहीं कर रहा है? बहुत थक गया हूँ और काम नहीं कर पाऊंगा। और काम नहीं कर पाएगा? तुझे मैं यहाँ पे मोफट का खिलाने के लिए आया हूँ। चल दूसरे काम पर चल। चल। अब कुमार को इस तरह सजा दे रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बोली? उसका भी तो एक घर है, घर के लोग परेशान हो गए ना। देखो ताशी, मैं कुमार को यहाँ मारने के लिए नहीं लाया हूँ। फिर भी उसके घर के लोग परेशान हो गए ना। कितना दिन रहेगा वो हमारे साथ? मैंने तुमको बोला था ना, एक हफ्ता रहेगा। एक हफ्ता? छोड़ दीजिए ना ताशी, मुझे नींद आ रही है। मुझे भी तो नींद आ रही है। अब दिन भर काम पे रहते हो, बात करने का मौका नहीं मिलते। अभी बताइए ना। मुझे नींद आ रहा है। और घर में कौन कौन है? एक भाई और माँ। माँ शायद घर में बहुत परेशान होंगी, उसका बहुत याद आ रहा है। सुनिए। हाँ? आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? तासी, एक सप्ताह कुमार और राजेश के साथ रहकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इन दोनों के जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों को पकड़ के लाते हैं, यहाँ सजा देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे गाँव के बारे में कोई बुरा सोचते हैं, मैं उन लोगों को सबक सिखा कर ही सुनूंगा। हाँ, आप ठीक ही बोल रहे हो। तसी, मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बाहर भी जाना है। ठीक है, मैं लगाती हूँ, आप आइए। आ गया तुम लोग? हाँ आ गया। तुम कैसी हो माँ? तुम लोग के बिना मैं कैसी हो सकती? मैंने बोला था ना माँ, मैं भैया को ढूंढ के लाऊंगा। ये देखो मैंने ढूंढ के ला दिया। ताशी, तुम बहुत मेहनत करती हो। मैं नहीं करूंगी तो आप कर दोगी क्या? हाँ मैं कर दूंगा। रहने दीजिए। ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं अपना काम खुद ही कर सकती हूँ। वाह, तुम्हें जवाब भी देना आता है। जुबान चलाने के लिए तो मोदी है ना?
पहले तो मुझे लगा था सच में मेरे साथ तुम बात करने से डरती हो, लेकिन अभी तुमसे बात करने से डर लगता है। सुनकर अच्छा लगा। तासी, तुम्हें रोज मिलने को मन करता है। अब हमेशा एक ही बात बोलते हैं। पता नहीं क्यों ये बात मुंह से निकल ही जाता है। आपको खुद की बात आपको मालूम नहीं? क्या करूं, मुंह पे आ ही जाता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ताशी रुको, तुमसे एक बात पूछना था। क्या? मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? क्यों पूछा? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आप देखने में जैसे हो, अंदर से वैसा नहीं हो। तुमने सही पकड़ा, मुझे विश्वास था कि तुम मुझे पहचान लोगे। अब मुझे जाना है। रुको, और एक बात करनी थी। ताशी, ताशी। हाँ बोलिए। मैं बाहर जा रहा हूँ। आने में देर होगी क्या? देखते हैं। ताशी, तुमको एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? आज अगर पहाड़ में कोई पेड़ काटने वाला आदमी मिल जाए, मैं उसको पकड़ के यहाँ लेके आऊंगा। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो ताशी, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये लोग पूरे पहाड़ काट के खत्म कर देगा। किसी और के साथ बुरा करने से हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन जो बुरा करता है उसका साथ बुरा होना चाहिए। आपको जो सही लगे वही कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे बीच में एक नया मेहमान आने वाला है। ताशी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। मैं अभी निकलता हूँ। ओए, कौन पैर काट रहा है? ओए, पैर क्यों काट रहा है? मुझे रोकने वाला तू कौन है? मैं आयु हूं, इस जंगल का रक्षक। मुझे वो सबसे कोई मतलब नहीं है, ये जंगल मेरा भी है और मैं यहाँ पैर काटूंगा ही। तू साला पैर काटेगा तेरा है। Oh!
मुझे कहाँ ले जाओगे? मेरे घर। क्यों? मेरे घर पे जाके तुझे काम करना पड़ेगा। काम? क्यों? तुझे सजा मिलेगा। तूने जो काम किया है उसके सजा तुझे मिलेगा। मुझे माफ कर दो। तुझे माफ नहीं, तुझे इतना सजा मिलेगा। चल। चल 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 चल। मुझे छोड़ दीजिए। चुप। तूने पेड़ काटा है, उसकी सजा तुझे मिलेगा। इससे नहीं काटूंगा, घर के लोग परेशान होंगे। घर के लोग परेशान हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल चुप। उसको ऐसा क्या करने के लिए रखा है? दासी, तुम चुप रहो। तुम अपने काम में ध्यान दो, मेरे काम में मत घुसो। मुझे जाने दीजिए ना। तुझे मैं पहले भी ये जवाब दे चुका हूँ। अब इतना निर्दय कैसे हो सकते हो? तुम चुप रहो, तुम अपने काम करो, जाओ। तुम अपनी पत्नी की बात सुनते क्यों नहीं? तू मुझे ज्ञान देगा तो उसको सजा जरूर मिलेगा। हाँ, तुझे तुम्हें। थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी करो। खाना खा ले। भागने की कोशिश मत करना। खा ले। मुझे घर जाना है। चुप कर, चुपचाप खाना खा।
पीटा मैम। क्या ये आयुक का ना दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे इस बार तो जिद्दू को घर में बंद के रखा है। ना ना ना, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ ये बात भी मैं सोचता हूँ, कुछ तो करना होगा। सुनिए। हाँ आप उसे छोड़ दीजिए। अगर उसको कुछ हो गया तो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचिए। मैं आपको विनती करती हूँ, तुझे आजाद कर रहा हूं। क्या? हाँ सच में? लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। तू जा। मैं फिर तुम्हारे साथ शादी करूंगी। सही में ताशी? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ताशी आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। अकेले कैसे खाऊं मैं? अरे अभी तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पेट में हम लोगों का बच्चा है, इस समय तुमको ख्याल रखना चाहिए। हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचिए। मैं आपको विनती करती हूँ, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। बेटा हो गया? हाँ बेटा हो गया।